सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं द रेड ट्रैप के बारे में, यानी कि चूहादानी, यानी कि चूहे को फंसाने वाला जो जाल होता है उसके एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। शानदार से शानदार लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही अलग तरह के होंगे। आप लोग खुद ताजुब करोगे कि यार इस तरह की विचारधारा भी हो सकती है क्या। तो यहाँ पर हमारे मिस्टर पेडलर जो हैं, जो एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, छोटी मोटी चोरी कर लेता है अपना भरण पोषण करने के लिए, तार से चूहेदानियाँ बना करके बेचता है, ऐसे एक किरदार की कहानी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में वह बहुत ही बुरी विचारधारा या बहुत ही दुर्विचार जो है वो रखता है इस दुनिया के बारे में और दुनिया के लोगों के बारे में, और अंत में हम देखेंगे कि कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और कौन उसके व्यवहार के परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारी लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड हमारा जो डिस्कशन है उसको। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स। तो एक बार की बात है, एक आदमी था, वेंट अराउंड का मतलब होता है भटकते रहना, जो इधर उधर ऐसे ही जाता रहता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स, छोटी छोटी चूहेदानियां बनाकर वो बेचता था, ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह स्वयं ही उसका निर्माण करता था एट ऑड मूवमेंट्स। ऑड मूवमेंट्स का मतलब होता है अनियमित तरीके से, कभी बना ली, कभी नहीं बनाई, कभी क्या बना लिया, इस तरीके से वह काम करता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, और वह उन सामग्री से, यानी मटीरियल, यानी कि जब उसको चूहेदानी बनानी है तो उसे तार भी चाहिए होगा, उसे थोड़ी सी लकड़ी भी चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कहाँ से पाता था, उसे कहाँ से प्राप्त होती थी, तो बैगिंग करके, भीख मांग करके, स्टोर्स में, दुकानों के आसपास के, भैया ये तार आपके कुछ काम नहीं आ रहा, मैं ले लूँ क्या, मुझे दे दो प्लीज़। और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म हाउसेज जो होते हैं, बड़े बड़े खेत जो होते हैं, वहाँ पर जाकर। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन ऐसा करने पर भी जो कार्य वह कर रहा था, बिजनेस का मतलब यहाँ व्यवसाय नहीं है, कार्य है, यानी कि रेड ट्रैप बनाकर बेचने का कार्य जो वह कर रहा था, विशेष रूप से वो कोई लाभदायक काम नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि भैया रेड ट्रैप बेच बेच के कोई करोड़पति हुए जा रहा है वो, ठीक है, ऐसी स्थिति उसकी नहीं थी, कोई उसके लिए लाभदायक काम नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थ्रीवरी, इसीलिए उसे रिजॉर्ट टू मतलब काम में लेना पड़ता था या सहारा लेना पड़ता था दोनों ही चीजों का। वो भीख मांगने का काम भी करता था, साथ में पेटी, छोटी मोटी चोरी भी करता था। छोटी मोटी चोरी मतलब किसी का ध्यान नहीं है, कहीं तार पड़ा है, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, चलो तार ले लो, इस तार से अपन रेड ट्रैप बना करके बेच लेंगे। तो वो इस तरह की छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कितना अच्छा लिखा है यहाँ पे राइटर ने कि वह अपने शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए ये काम करता था। यानी चोरी करके उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, उसका विचार ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घर में घुस करके लाखों करोड़ों कमा लूं या चुरा लूं, ऐसी कोई विचारधारा उसकी नहीं थी। सिंपली वो चोरी किया करता था ताकि वो अपने आप को जीवित रख सके, और जीवित रख सके ये कहने के लिए देखो राइटर ने कितना अच्छा लिखा, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वह अपने शरीर को और अपनी आत्मा को साथ रख सके, उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली ना जाए, अर्थात उसकी मृत्यु ना हो जाए। इवन सो ऐसा होने पर भी हिज क्लोथ्स वर रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने रैग्स थे, फटे पुराने कपड़े थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल धसे हुए थे, है ना, आजकल तो फैशन माना जाता है कि देखो जॉ लाइन कितनी अच्छी, जॉ लाइन, तो उसकी जॉ लाइन बहुत शानदार थी क्योंकि उसके गाल पूरे धसे हुए थे, भूखा बेचारा, कुछ खाने पीने को नियमित रूप से नहीं मिल रहा, कभी कुछ मिल गया कभी कुछ नहीं मिला, ऐसी स्थिति में जीवन जी रहा है, तो उसके गाल जो है अंदर की तरफ धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख जो है वह चमकती हुई साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई देती थी, यानी उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था कि कितना भूखा है, भूखा रोटी का, ठीक है, कि रोटी के लिए या अपने आप को जीवित रखने के लिए जो अनाज उसे चाहिए था, स्टेपल फूड उसे चाहिए था, उसके लिए ही वह ये सब काम कर रहा था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस द लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड किसको कहा जाता है, घुमक्कड़ को कहा जाता है। इसके लिए दो तीन शब्दों का इस्तेमाल होगा, कहीं पर वेगाबॉन्ड आ जाएगा, कहीं पर पेडलर आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर इसको चैप्टर में पेडलर कहा गया है, ठीक है। कोई भी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता कि जब कोई व्यक्ति अकेला जीवन जीता है, एकांकी जीवन जीता है, उदास या नीरस जीवन जीता है, दुख से भरा हुआ होता है,
कैन अपियर दिखाई दे सकता है टू सच अ वैगाबॉन्ड, एक ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति पर, यानी एक ऐसा घुमक्कड़ व्यक्ति जिसका ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना कुछ भी नहीं है, अकेला बस भटकता रहता है, रैट ट्रैप भेजता रहता है, दो वक्त की रोटी कहीं से ले लेता है, मांग लेता है, चुरा लेता है और खा करके अपना जीवन जी रहा है, तो उसका जीवन कितना उदासी से भरा हो सकता है या कितना नीरसता से भरा हो सकता है, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो सड़क के सहारे या सड़क के पास में ही, सड़क के साथ साथ अपनी यात्रा करता है, यानी कि भटकता रहता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और जिसे छोड़ दिया गया है, जो छूटा हुआ है अपने खुद की ही विचारों में। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, खुद का ही, खुद के बारे में ही जैसे भी उसको अच्छा लग रहा है वैसे चिंतन कर रहा है, जो उसको अच्छा लगता है वो सोचता है, बस वो सोचता रहता है और उसी को वो एक तरीके से आनंद की तरह भी देखेगा। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये आदमी जो है एक विशेष प्रकार की जो विचार है, थॉट्स जो है उनसे घिर जाता है और उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो विचार उसे वास्तविकता में ऐसे लगते हैं कि बहुत ज्यादा मनोरंजक विचार है, ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने वाले विचार हैं। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, एक दिन स्वाभाविक तौर पर वह अपने सोच विचार कर रहा होता है रेड ट्रैप्स के बारे में, यानी चूहेदानियों के बारे में, when suddenly he was stuck by the idea, tabhi uske dimag mein ek vichar aata hai, ek idea aata hai that the whole world about him, jo bhi uske aas paas ka jitna pura sansar hai, sansar ke log hain, sansar ki jo khushiyan hain, jo prasannataen hain, jo sampadaen hain, jo samriddhiyan hain, un sabhi ke bare mein vichar karna shuru kar deta hai, the whole world with its, pure sansar ke bare mein sochta hai, jisme is sansar ki bhoomi bhi aa jati hai, समुद्र भी आ जाते हैं, इसके शहर भी आ जाते हैं, गांव भी आ जाते हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, और वो क्या सोचता है, ये सब कुछ नहीं है, बस बड़ी सी चूहेदानी है, यानी कि पूरा पूरा संसार क्या है, चूहेदानी ही है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, इसके अलावा इस संसार के होने का और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता, भाई ये संसार जो अस्तित्व में है, यानी कि संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्यों है, भगवान ने, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेखक नहीं बोल रहा है, ठीक है, भगवान ने एक बड़ा सा रेड ट्रैप बना रखा है और भगवान चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जैसे रेड ट्रैप में जैसे चूहे फंस जाते हैं, वैसे सारे के सारे लोग इस संसार में, जो क्षणभंगुर संसार है, उसमें लगे रहें, और वही उस संसार का उद्देश्य है। देन टू सेट बेट्स, यानी इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि बस ये बेट्स, अब देखो बेट्स को एक बार समझ लो, बार बार आएगा, चारा, अभी चारे का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग चूहे को पकड़ने के लिए जब हम एक चूहेदानी लाती हैं तो उसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा फंसा देते हैं, अब वो रोटी का टुकड़ा उसके लिए क्या है, बेट है, चारा है उस चूहे के लिए, तो चूहा उस रोटी को देखेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाकर के फंस जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, उसने बहुत ज़्यादा रुचि ली उस बेट में, उस चारे में, उस रोटी के टुकड़े में, इसलिए वो फंस गया। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कहता है कि संसार का और कोई उद्देश्य नहीं है, इस संसार का उद्देश्य केवल इतना है कि वो चारा लगाता है, ललचाने के लिए वस्तुएं लगाता है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, ताकि लोग आए और इसमें फंस जाएं। इट ऑफर्ड रिचेस जॉयस, वह हमें अमीरियत देता है, ऑफर करता है मतलब पेश करता है हमारे सामने, देखो कितना अमीर लोग हैं, लग जाओ पैसों की दौड़ में, हैं, आंख बंद करो और बस पैसों के पीछे भागो, हैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो मेरे को देख रहे होंगे उसमें से कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे, घर में क्या है, किसी की तबीयत खराब, अरे छोड़ो यार मेरे को पढ़ाई करनी है, घर में क्या हुआ, किसी की डेथ हो गई, अरे छोड़ो यार मेरे को पढ़ाई करनी है, घर में क्या हुआ, शादी है भाई बुआ जी के घर में, अरे छोड़ो यार मेरे को पढ़ाई करनी, तो उसके लिए पढ़ाई जो क्या है, बेट की तरह काम कर रहा है कि वो सारी चीज़ें छोड़ करके उस एक ही लक्ष्य को साध करके उसके पीछे भाग रहा है। पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है, जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ों से मुंह मोड़ लें या उन्हें पीठ दिखाना शुरू कर दें, ऐसा इतनी ज़्यादा अति नहीं होनी चाहिए ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, आप अच्छा काम भी कर रहे हो ना, कोई सही काम भी कर रहे हो तो उस सही काम की भी अति नहीं होनी चाहिए ना, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो रिचेस दिखाता है, जॉयस दिखाता है, आनंद दिखाता है, शेल्टर यानी कि आश्रय लेने की जगह, घर वगैरह जो होता है वो दिखाता है, फूड खाना दिखाता है, हीट एंड क्लोथिंग, अब ये हीट एंड क्लोथिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि जहाँ का ये है भाई साहब, स्वीडन के हैं ये रहने वाले, और स्वीडन देश जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो हीट और क्लोथिंग वहाँ के लिए अच्छी चीज़ है, आरामदायक। अब मेरे जैसा आदमी जो राजस्थान में रहता है, मैं किसी को बोलूँ कि आओ तुम्हें हीट और क्लोथिंग देता हूँ,
तो भाग जाएगा दूर। बोले नहीं चाहिए, गर्मी पहले ही बहुत तेज पड़ रही है और जो कपड़े पहन रखे हैं वही नहीं सुहा रहे, तो दूसरी क्लोथिंग का क्या करेंगे। मैं कहूँ आओ तुम्हें जून के महीने में जैकेट पहनाता हूँ, तो भाग जाएगा। बोले नहीं पहनना भाई जैकेट, जून का महीना वैसे ही सांस नहीं आ रही है, एक बनियान में घूम रहे हैं उसमें ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि यार जाकर के पानी में बैठे रहे बस। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि भैया हीट और क्लोथिंग भी दिखाता है एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज। जैसे कि पनीर, चीज अपन वैसे भी सब जानते हैं, चीज सैंडविच सभी खाते ही होंगे, चीज बर्गर, चीज पिज्जा, ये सारी चीजों में जो चीज डलता है ना वही चीज है ये। एंड पोर्क और सुअर का मांस। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई आदमी इन चीजों से ललचाता है, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, टेम्प्टेड होता है टू टच द बेट, उस चारे को छूने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वैसे ही उसका दरवाजा उसके पीछे से उस पर बंद हो जाता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सभी चीजें एक अंत पर पहुंच जाती है, यानी उसके जीवन का अंत हो जाता है। तो पूरा का पूरा संसार एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, और इसमें आपको अलग अलग चीजें दिखाई जाएगी, संसार आपको अलग अलग चीजें दिखाएगा कि आओ ये देता हूँ, आओ ये देता हूँ, आओ ये देता हूँ। जैसे ही आप इन चीजों के पीछे जाओगे और पीछे से दरवाजा बंद हो जाएगा कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, ये एक चूहे की दौड़ है और इस चूहे की दौड़ में सभी दौड़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात दौड़ने वाले चूहे, हारने वाले चूहे, और जीतने वाला भी एक चूहा ही है, उससे अलग कुछ नहीं है, शेर नहीं है वो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जो हमारा पेडलर है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी चीज़ के पीछे अंधे होके भागने से पहले एक बार आपको देख लेना चाहिए कि क्या वो चीज़ उतनी वर्थ करती है या नहीं करती, उसकी उतनी वर्थ है भी कि नहीं है जितना आप उसके पीछे लगे हुए हो, ठीक है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, इसीलिए उसे असामान्य, अनवांटेड का मतलब जो अजीब सा विचित्र तरीके का एक सुख उसे मिलता है, एक आनंद उसे महसूस होता है जब भी वह संसार के बारे में इस तरीके से बुरा सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बुरा सोचना कहा गया है, लेकिन जैसे हम भारत में रहते हैं और भारतीय परिवेश के अंदर हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के संत हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, वो इसे सच्चाई को जानना कहते हैं, वो कहते हैं कि यही तो दुनिया की सच्चाई है भाई। आपने अगर बहुत ज़्यादा धन पा भी लिया, कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो आप सुखी हो जाओगे, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ है उससे एक बार पूछ लो कि भैया क्या वास्तविकता में तू सुखी है कि नहीं है, या जीवन में कुछ और भी चाहिए होता है पैसों के अलावा, तो वो वाली बात है। तो जिसको यहाँ पे इल थिंकिंग कहा जा रहा है, यानी कि बुरा विचार कहा जा रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हमें मार्क्स गेन करने हैं तो हम इस विचार को इल थॉट ही कहेंगे, हम भारतीय परिवेश में उसको अच्छा थॉट नहीं कहेंगे कि अरे वाह तू तो दुनिया का सार जान गया, वो मत कर देना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इल थॉट जो है बुरा विचार वह करता है ऑफ इट, इसके बारे में, इन दिस वे, इस तरीके से, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम, ये बहुत ही चेरिश्ड, बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, जिसकी वह इच्छा करता है वह उसका पास टाइम, पास टाइम यानी कि जो भी हम टाइम पास करने के लिए जो कुछ करते हैं ना, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए दुनिया के बारे में ऐसे सोचता है, देखो 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 कितनी बड़ी कार में जा रहा है भाई, 20 लाख, 20 लाख की कार। अब पता है क्या हुआ, ये कार नहीं है, ये चूहेदानी है। क्योंकि चूहेदानी क्यों है, क्योंकि अब इसने इस पे कराई होगी ईएमआई। अब अगले 7 साल तक ये इसकी भरेगा ईएमआई, 5 साल तक इसकी भरेगा ईएमआई, और 5 साल के बाद इसको एहसास होगा कि यार ये कार बहुत पुरानी हो गई है, अब इस कार को बेच देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नई कार लाएंगे। अब क्योंकि पिछली बार 20 लाख की कार लाए थे, तो इस बार तो 20 लाख की नहीं लाएंगे, फिर कार आएगी 30 लाख की, 30 लाख, फिर वापस भाई क्या करेगा, अगले 7 साल तक फिर उसकी ईएमआई भरेगा। तो ये चूहेदानी है, तो ऐसे सोचता है वो, तो दुनिया में जो भी चीज उसे दिखाई देती है बैठ जाता है मस्त यूं करके, पैर वैर ऊपर रख के, मस्त गया है तू, गया तू तो गया बेटे, तो वो चीज होती है। तो ऐसे वह अपने आप अपना पास टाइम करता है, अपना खुद का, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग, प्लॉडिंग मतलब जहाँ पर वो भटकता रहता है, इधर उधर की जो यात्राएं करता है बिना मतलब की, बहुत सारी नीरस यात्राओं पे ऐसा ही सोचता है, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और उन लोगों के बारे में विचार करता है जिनके लिए वह जानता है कि उन लोगों ने अपने आप को फंसने दिया। टू बी कॉट का मतलब क्या है कि भाई उन लोगों ने अपने आप को उस जाल में, उस स्नेयर में, स्नेयर का मतलब होता है जाल, तो इस जाल में, जो खतरनाक जाल है उसमें फंसने दिया, एंड ऑफ अदर्स Who were still circling around the bait, और वो लोग भी जो उस जाल में अभी तक फंसे नहीं है लेकिन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कि यार हमें भी कहीं से रास्ता मिले तो हम भी घुसे,
तो जो 20 लाख की कार लाया था ना अभी अभी, उसके दोस्त उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कि बेटा 2 महीने और रुक जा, मैं भी ला रहा हूँ सेम मॉडल, भी सेम लेके आऊंगा और कलर तेरे से बेटर लेके आऊंगा, तो रुक तो सही। तो वो जो दोस्त है वो उस बेट के, उस कार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कि ये जो बेट है, ये जो मुझे ललचा रहा है, मुझे इसको खाना है, मुझे इसे पकड़ना है, ये कार मेरे पास भी होनी चाहिए। तो उस बेट के चारों और बाकी लोग चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज थ्रेडिंग अलॉन्ग द रोड, ही कॉट अ साइट ऑफ अ ग्रे, अ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो एक शाम की बात है, डार्क इवनिंग यानी कि जब रात्रि का समय लगभग शुरू हो गया था, वह थ्रगडिंग करके यानी कि थकावट से धीरे 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 डगमग करके चलता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था रोड पे, तभी उसकी नजर पे एक दृश्य पर उसकी नजर पड़ी। वो दृश्य क्या था, एक छोटी सी पुरानी ग्रे कलर की कॉटेज यानी कि एक झोंपड़ी, छोटा घर बाय द रोड साइड जो रोड के पास में था। एंड ही नॉकड ऑन द डोर, उसने जाके दरवाजे पे खटखटाया टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि भाई क्या आज रात्रि में मुझे यहाँ पर आश्रय मिल सकता है क्या, क्या मैं आज रात को यहाँ रुक सकता हूँ क्या। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। अब वहाँ पर जो व्यक्ति था जिसे हम क्रॉफ्टर कहेंगे आगे, तो वो क्रॉफ्टर है, उसने मना तो नहीं ही किया, मतलब उसने मना नहीं किया, उसने उसको बुला लिया, उसने मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, क्योंकि बहुत ही ऐसे दुखी चेहरे थे जो कि ऑर्डिनरी थे, सामान्य थे, जिससे वो मिलता था। द ओनर और उस झोपड़ी का जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, जिसके बीवी या बच्चे नहीं थे। क्या लाइफ है अंकल की, ना बीवी है ना बच्चे, मस्त रहता है अकेला, कोई पूछने वाला नहीं, 7:30 बज गए उठे नहीं अभी तक, नहीं उठे, सो रहे कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्यों नहीं उठे, उठ जाओ भाई, 9 बज गए अब तो उठ जाओ तो जोक सा पार्ट, लेकिन हाँ कुछ भी कहो, क्रॉफ्टर की लाइफ मस्त थी, कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई चाचू पापू कुछ नहीं, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। लेकिन ये जो अकेले रहने वाले होते हैं ना, इनके जीवन का एक दुख भी होता है, ये आसपास देखते हैं ना तो इनको केवल दीवारें ही दीवारें दिखती है, तो एक विचित्र तरह का अकेलापन जो है वो परेशान करने लगता है एक समय के बाद। कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद में लगता है यार ये अकेलापन है, ये खा जाएगा ये अकेलापन, है ना। एक तो आप ये कहते हैं ना कि मैं एकांत में हूँ, तो वो एकांत अच्छा लगता है कि भाई मैं एकांत हूँ, बैठा हूँ शांति से, सब अच्छा लग रहा है। एक होता है अकेलापन, जो अंदर से एक खालीपन को महसूस कराता है कि यार अपने पास कोई है ही नहीं जिससे अपन मन की बात कर सकें, कोई है ही नहीं जिसको अपन अपना सुख दुख बांट सकें। आज बहुत पैसा आया, अब ये सुख किसके साथ बांटूं, दीवारों के साथ, कोई है ही नहीं बांटने के लिए। आज नहीं आया पैसा, खाना खाने के भी पैसे नहीं, ये दुख किसके साथ बांटूं, दीवारों के साथ। तो वो चीज़ हो जाती है कि भैया वो बहुत ही खुश था कि एटलीस्ट आखिरकार कोई तो आया जिससे वो बात कर सकता है इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। इमिडिएटली तत्काल ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, उसने तुरंत उसके आते ही दलिया उबालने के लिए चढ़ा दिया, पॉट में रखकर फायर पर चढ़ा दिया और उसे सपर, सपर का मतलब होता है सायंकालीन या रात्रिकालीन भोजन दिया, यानी कि रात का खाना, जिसको आप डिनर भी बोल सकते हो, उसे डिनर कराया। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, उसके बाद उसने एक बड़ा सा टुकड़ा काटा फ्रॉम हिज टबैको रोल, उसका टबैको का यानी तंबाकू का जो रोल था, बड़ा सा रोल आता है जिसको सिगार वगैरह कहते हैं, उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा काट करके उसे दिया पेडलर को। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन पाइप, ठीक है, जो इतना बड़ा टुकड़ा था कि वो उस अजनबी यानी वो जो पेडलर था उसके पाइप के लिए भी पर्याप्त था और उस क्रॉफ्टर के खुद के पाइप के लिए भी पर्याप्त था। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता पुरानी मूवीज कितनी देखी है कितनी नहीं देखी, ठीक है, ये होता है पाइप, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसमें ये जो हिस्सा है इसमें यहाँ पर टबैको भरा जाता है, उसको जलाया जाता है और फिर सिगरेट की तरह पिया जाता है। तो ये पाइप जो कह रहा है ना यहाँ बार बार, चिलम के लिए कह रहा है, इस पाइप के लिए कह रहा है, ठीक है। एंड हिज ओन, मतलब उसने इतना तंबाकू का पीस काटा कि उसके लिए और इस घुमक्कड़ के लिए, दोनों के लिए काफी हो। फाइनली ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंततः उसने एक पुरानी गड्डी जो थी ताश की, ये कार्ड्स कौन से हैं, ताश की गड्डी जो थी वो निकाली एंड प्लेड मिजोलिस, और मिजोलिस खेला। अब देखो मुझे सच में नहीं पता है मिजोलिस कैसे खेला जाता है, बिकॉज
कार्ड्स खेलने के मामले में जीरो मामला अपना। विद हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, अपने गेस्ट के साथ तब तक खेला जब तक बेड टाइम हो गया। जैसे इसको बोलचाल के लिए आप बोल दोगे दैला पकड़ खेल रहा था, ठीक है। किस किस को पता है दैला पकड़ के आप कौन सा गेम होता है मुझे बताना है ना, मैंने देखा बहुत है उसको, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज पोरेज एंड टबैको। और वह वृद्ध व्यक्ति जिसको हम क्रॉफ्टर कह रहे हैं बार बार, वह उतना ही उदार था। उदार मतलब जिसका दिल खुला हुआ हो कि हाँ भाई तू आया है, तू आ बैठ, खाना खा, टबैको पी, आजा भाई अपन ताश खेलते हैं, आजा अपन बातें करते हैं। ये उदारवादिता है, यानी बहुत खुल करके जो किसी का स्वागत करे, किसी की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो उदार था अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ, अपनी जो भी उसकी गुप्त बातें थी, जो भी उसकी लाइफ के सीक्रेट थे, एक्सपीरियंस थे, उसके साथ शेयर कर रहा था। जैसे कि उसने दलिया शेयर किया था उसके साथ और तंबाकू शेयर किया था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और तुरंत ही उसे बता दिया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी His host had been a crofter, कि भाई जो उसके prosperity यानी समृद्धि वाले दिनों में थे तो उसका जो host था, उसका जो मेज़बान था, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है, इस old man को कहा गया host had been a crofter, ये पहले एक crofter हुआ करता था, छोटे से farm का मालिक हुआ करता था, ज़मींदार हुआ करता था at Ramajo Iron Works, और ये काम करता था Ramajo Iron Works में। ये नाम याद रखना, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में बार बार आएगा। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो ज़मीन पर भी काम करता था, मतलब आयरन वर्क्स, यानी कि जिसको अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं ढलाई खाना, या आप कह सकते हो आयरन फैक्ट्री जो होती है, उसमें भी काम करता था और खुद की ज़मीन पे भी खेतीबाड़ी का काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जबकि वो पूरे दिन भर अब मेहनत नहीं कर सकता, वृद्ध हो गया है, इट वॉज हिज काउ, तो उसकी गाय ही थी विच सपोर्टेड हिम, जिसने उसका सहयोग किया था, जिसने अब तक उसे सपोर्ट किया, यानी कि गाय जो है उसके पास, वो उसका दूध निकालता है, बेचता है और उससे अपनी आजीविका, अपना जीवन चला रहा है। यस द बॉसी, हाँ जो गाय थी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रतिदिन क्रीमरी यानी कि जिसको हम दूध डेयरी कहते हैं, है ना, ऐसे लिखा होता है अपने यहाँ पे हिंदी में सामान्यतः डेयरी, डेयरी, ठीक है। तो वह गाय जो है दूध दे सकती थी प्रतिदिन डेयरी के लिए। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर। अब देखो क्रोनोर क्या है, ये स्वीडन देश की मुद्रा है, द करेंसी ऑफ स्वीडन, ठीक है, उसका नाम है क्रोनोर। तो 30 क्रोनोर यानी कि 30 रुपए, जैसे इंडियन सेंस में अपन क्या कहते हैं 30 रुपए, तो वो रुपए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि रुपए क्या है, इंडियन करेंसी है, क्रोनोर वहां की करेंसी है। तो 30 क्रोनोर जो है उसे पेमेंट के रूप में मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रूडियस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स। ये पूरा एक ही वाक्य भाई, ठीक है। तो जैसे ही उसने कहा क्रॉफ्टर ने कि यार मुझे 30 क्रोनोर पिछले महीने मिले थे, तो हो सकता है पेडलर ने कुछ ऐसा भाव दिखाया हो कि भाई मेरे को तेरी बात पे विश्वास ही नहीं है, 30 क्रोनोर दूध के, दिमाग खराब है क्या, इतना पैसा कोई थोड़ी मिलता है। तो उसने ऐसा कोई भाव दर्शाया होगा। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रूडियस, यानी कि जिसे संदेह हो या अविश्वास हो उस बात पर। फॉर द ओल्ड मैन, तो जैसे ही हुआ तो ओल्ड मैन जो है खड़ा हुआ, खड़ा होकर के जो विंडो थी, जो खिड़की थी, उसके पास में गया, एक लेदर का पाउच जो है जो कि टंगा हुआ था वहां पर कील से, उस एकमात्र विंडो के फ्रेम पर, ढांचे पर, उसे निकाला और उसमें से 3 रिंकल्ड यानी मुड़े हुए, मोड़ कर रखे हुए 10 क्रोनोर बिल, यानी कि 10 क्रोनोर का एक नोट, ऐसे 3 नोट निकाल के उसने उसे दिखाए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज, और उन्हें ऐसे पकड़ के उसके आंखों के सामने ही पकड़ के रखा, देख ले, ऑफ हिज गेस्ट, जो उसका गेस्ट था पेडलर, नॉडिंग, सिर लड़ाते हुए, नोइंगली, जानबूझकर, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और वापस उन्हें उस पाउच में ठूस दिया, ठूस करके टांग दिया होगा वापस। अब यहां पर बात खत्म हो गई, दोनों के दोनों सो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, गुड नाइट, अच्छे से रात बीती। अब बात आई कि अगले दिन सुबह की। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, अगले दिन दोनों ही जो आदमी थे वो बढ़िया सीजन में, अच्छे खुश मनस्थिति में, बढ़िया उठे, क्या चलो यार रात अच्छी बीती। क्रॉफ्टर जो है वो थोड़ा जल्दबाजी में था, क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध दुहने जाना था, दूध निकालने के लिए जाना था, ठीक है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा व्यक्ति यानी जो पेडलर था, हो सकता है इसने ऐसा सोचा होगा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, कि उसे अब बिस्तर में पड़े नहीं रहना चाहिए, लेटे नहीं रहना चाहिए, जबकि घर का मालिक जो है, घर का हेड जो है, वह पहले ही उठ चुका है। ये
एटिकेट्स होते हैं, आप कहीं पर गेस्ट बन के जाते हैं, कहीं भी जाए, आप अपने आप को मानते हैं कि हम तो बच्चे हैं, हमारे से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इससे आपकी छवि निर्धारित होती है। अगर आप कहीं पर भी मामा के यहाँ पर, बुआ के यहाँ पर, किसी और रिश्तेदार के यहाँ पर अगर एज अ गेस्ट जाते हैं, आप भले अपने घर में लेट उठते हों, लेकिन वहाँ आपको सुबह सही समय पर उठ जाना चाहिए, खास करके जो समय उस घर के लोगों के उठने का है, क्योंकि आप वहाँ पर गेस्ट हैं, तो आपकी वहाँ पर सेवा होगी, आतिथ्य सत्कार होगा, लेकिन आपको इस लायक बने रहना है कि आप अगली बार भी गेस्ट बन पाए। ऐसा नहीं हो कि अगली बार आपका नाम हो गया, यार फलाना आ रहा है, यार है रिद्धि आएगी आज तो, और उसके घर के जो लोग हैं माथा पकड़ ले बोले रिद्धि 11 बजे तक तो पड़ी रहती है, अब 11 बजे उठ करने के बाद समझ में नहीं आता कि इसको नाश्ता देवें कि खाना देवें, तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए कहीं पर भी गेस्ट बन के जाओ तो थोड़ा सा शालीनता से, सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, एक ही समय पर वो उस कॉटेज से बाहर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर जो था ओल्ड मैन हमारे जो घर का मालिक है, उसने दरवाजे को बंद किया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में चाबी रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, और वह व्यक्ति जो रेड ट्रैप्स लिए हुए था उसने कहा गुड बाय एंड थैंक यू, और उसने धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन, इसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब बात यह है कि भैया हमारे रेड ट्रैप वाले अंकल सोच रहे थे पूरी दुनिया इसकी अमीरियत, इसके जॉय, हीट, क्लोथ, ये सब बेट है, ये सब चारा है, इस चारे को पकड़ने जो भी गया वो जाकर के रेड ट्रैप में फंस गया, दुनिया रूपी रेड ट्रैप में फंस गया। ये बात वो अच्छी तरीके से खुद जानता है, लेकिन उसके बाद में उसी का मन उसके साथ क्या खेल खेल जाता है वो देखना। तो बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन इन बिफोर द डोर, वह वापस से उसी दरवाजे के सामने जो ताला लगा के गए थे क्रॉफ्टर भाई साहब, वहीं वापस खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने दरवाजा तोड़ने की या अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर जैसे तैसे ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल और केवल उस खिड़की के पास गया, स्मैश्ड अ पेन, और खिड़की के जो शीशे लगे हुए होते हैं उसमें से एक तोड़ा, स्टक हिज हैंड, अपना हाथ अंदर घुसाया एंड गॉट होल्ड ऑन द पाउच, और उस पाउच जिसे हम पर्स कह सकते हैं, लेदर पर्स था, उस पाउच या पर्स को पकड़ा अपने हाथ से विथ 30 kronor, जिसमें 30 kronor थे। ही टुक द मनी, उसने वो पैसा लिया, थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, उसे अपने पॉकेट में रख दिया। वैसे थ्रस्ट का मतलब होता है ठूसना, ठीक है, उसने जो पैसे थे उसे अपनी जेब में ठूसा। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर बहुत ही सावधानी से लेदर पाउच जो था उसे वापस टांग दिया, बहुत ही सावधानी से उसी जगह पर, और वहां से चला गया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, जैसे जैसे वो चले जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, जब पैसा उसकी जेब में था, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न महसूस कर रहा था। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश होना, तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न या खुश महसूस कर रहा था अपनी चतुराई से, कि यार मैं बहुत चालाक हूँ, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, उसने मेरे को 30 kronor दिखाया, मैं चोरी कर लिया। ही रियलाइज्ड ऑफकोर्स, निसंदेह उसने महसूस किया, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, सबसे पहले उसने विचार किया कि भैया मुझे अब पब्लिक हाईवे यानी कि जो नॉर्मल रोड होता है उस पर नहीं चलना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि रोड से दूर चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले अगर भागेंगे मुझे पकड़ने के लिए, अगर वो शिकायत करता है और कोई मुझे ढूंढने आता है तो वो रोड के सहारे ही आएगा, और अगर मैं रोड पे ही चल रहा हूँ तुरंत पकड़ लेंगे। और बल्कि वह क्या करा, रोड छोड़ करके वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, वह कहाँ घुस गया, जंगल में जाकर घुस गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ही कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों तक उसे कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से मस्त जंगल में चले जा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और जैसे ही वो चल रहा था उसे फिर से याद आया कि कैसे ये संसार एक रेड ट्रैप है, कैसे वो संसार को और रेड ट्रैप को एक मानता है, यही विचार वापस आया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी रेड ट्रैप में फंसने की, क्योंकि वो 30 kronor लेकर के भाई साहब रेड ट्रैप में फंस चुके थे। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया, फूल्ड का मतलब क्या होता है, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया एक चारे से, और वो चारा क्या था, वो चारा था 30 kronor, 30 kronor जो थे वो, एंड हैड बीन कॉट, और वह उस जाले में, उस रेड ट्रैप में फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल,
विथ इट्स ट्रंक, जिसमें उसके तना हो, ब्रांचेज हो, शाखाएं हो, थिकेट्स हो, कुंज या झुरमुट होता है लताओं का, बेलों का, वो हो, फॉलन लॉग्स, पड़े हुए लकड़ी के गट्ठे हो मोटे मोटे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, जैसे इन सारी चीजों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था, लाइक एंड इनपेनेट्रेबल प्रिजन, एक ऐसे प्रिजन की तरह, जेल की तरह, जिसे तोड़ पाना या जिससे बाहर निकल पाना असंभव हो, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और ये एक ऐसा जंगल था जिससे कभी बच के भाग नहीं सकता था। इसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया, बेवकूफ बनने दिया, बेट को देखा, बेट को देख के उसके पीछे भागा, और अब भाई साहब आके जंगल में फंस गए। सीधा सा मामला ये हुआ, इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर के अंत का समय था, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा जो है छाने लगा था ओवर द फॉरेस्ट, उस जंगल पे, दिस इंक्रीज द डेंजर, और इसकी वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और उससे उसका उदासी, डेस्पेयर, उसकी निराशा भी बढ़ गई। अंततः ही सो नो वे आउट, अंत में उसे कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, एंड ही सैंक डाउन, और वह गिर गया ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, इतना थका हुआ कि बस जैसे उसको मौत ही आ जाएगी। कहते ना कि भाई तू सो रहा है कि मर गया है कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा इंसान थका हुआ होता है ना, तो वो ऐसे सोता है जैसे मर गया। तो टायर्ड टू डेथ का मतलब है कि इतना थका हुआ होना कि बस मौत ही आएगी, बस मैं और कुछ नहीं कर सकता, अब कहीं कोई प्रयास नहीं कर सकता। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा था वह कि उसका अंतिम क्षण आ गया है, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पर लगाया, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, यानी कि लगातार थप थप, या वैसे मुझे लगता है वो बेसिकली धम धम की आवाज उसे लगातार आ रही थी, थम्पिंग जो है वो थप थप की आवाज या धम धम की आवाज को कह सकते हैं। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और इसमें कोई शक नहीं था कि ये आवाज कहां से आ रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े का प्रहार है, ये हथौड़े से चलने वाला प्रहार है, फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे की फैक्ट्री से, एक लोहे के मिल से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यानी आसपास लोग होने चाहिए। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति को जुटाया, एक जगह इकट्ठा किया, गॉट अप, खड़ा हुआ, स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए या डगमगाते हुए वह धीरे 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 जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में जाना शुरू करता है, उस दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, और रामजो आयरन वर्क्स, मैंने बताया था ये नाम याद रखना, क्रॉफ्टर यहीं जॉब करता था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो बिल्कुल नजदीक ही थी, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, जो पहले नजदीक नहीं हुआ करती थी, अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा कारखाना विथ स्मेल्टर, जहां पर प्रगालक लगे हुए हैं, रोलिंग मिल, बेल करने वाली यानी गोल करने वाली, आयरन शीट को गोल करने वाली मिल्स लगी हुई है, एंड फॉर्ज, एक ढलाई खाना है जहां पर आयरन को पिघलाया जाता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्कॉव्स स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भैया यहां पर समर के टाइम में, गर्मियों के समय में, बड़ी बड़ी पंक्तियां जिसपे बहुत अच्छा खासा वजन रखा गया हो, ऐसी नावें और ऐसी पटेले दिखाई देते हैं, स्लिट दिखाई देते हैं, नाव और छोटी नाव और बड़ी नाव दिखाई देती है, डाउन द कैनल जो नहर से बहती भी आती है, जो कि लार्ज इनलैंड यानी किसी इलाके के मध्य भाग में लेक का निर्माण करती है, कोयले का नहीं, लेक। ठीक है, तो लेक का निर्माण यहां पर करती है, और वहां से सारा का सारा कोयला जो है नाव पर लाद कर लाया जाता है, और यहां पर उससे आग जलाई जाती है जिससे भट्टी जले और भट्टी से लोहा पिघलाया जा सके। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय की बात की जाए, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट, जो मिल के पास की जो रोड है, सड़कें हैं, वो काली हो जाती हैं, क्योंकि जितना भी कोयले की डस्ट, धूल जो उड़ती है, विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल, जो कि छन छन कर आती है बड़े बड़े लकड़ी के कोयले के टुकड़ों से, कैरेट्स, कैरेट्स का मतलब होता है लकड़ी की टोकरियां। ठीक है, तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है, सड़क के मार्ग से कोयला लाया जाता है, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, जो पास से नहर बह रही है उसके माध्यम से कोयला लाया जाता है। तो यहां ये कह रहा है कि सर्दियों के टाइम में, जो अभी टाइम चल रहा है दिसंबर का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के कैरेट्स, टोकरियां जो होती है लकड़ी की बनी हुई, उसमें कोयला लाया जाता है जिससे हवा चलती है, और छोटे छोटे जो कण हैं कोयले के,
डस्ट के रूप में वो उड़ते हैं और सड़क पर बार बार बिखरते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़क काली हो जाती है या काली दिखाई देती है ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। और इतनी लंबी जो शाम है, काली अंधेरी, क्रिसमस से कुछ ही समय पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस। तो मास्टर स्मिथ यानी कि जो सबसे बड़ा उनमें से आयरन स्मिथ जो है, आयरन मास्टर जो है, जो आयरन को पिघलाने का काम करता है वो, और उसके हेल्पर्स जो हैं वो एक अंधकार वाली जगह पर फोर्ज में बैठे हुए थे भट्टी के पास में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन क्या कहा जाता है, एक प्रकार का कच्चा लोहा होता है, उसका इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन फायर, जिसे आग में रखा जाना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि निहाई पर उसे रखा जा सके जहां पर उसको वापस से पुनः आकार दिया जाएगा। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। हर कुछ देर में, बीच बीच में उनमें से एक जना उठता और उठ करके जो भी वो चीज पिघल रही थी, जो लोहा पिघल रहा था, एक आयरन की रॉड लेता और उसे हिलाता। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसमें जो भी कचरा वगैरह है वो साइड में हो जाए और जो प्योर आयरन है यानी कि मिट्टी वगैरह जो है, डस्ट वगैरह जो है, वो तो साइड में हो जाए और प्योर आयरन उन्हें मिले। टर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ रेस्पिरेशन दो, हालांकि कुछ ही क्षणों में सर्दी के टाइम में भी उनके पसीने टपकना शुरू हो जाते थे, इतनी ज्यादा गर्मी लगती थी। दो एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वे और कुछ नहीं पहनते थे, जूते पहनते थे जो वुडन शूज होते थे, यानी कि लकड़ी के जूते पहनते थे और लंबी सी लॉन्ग शर्ट पहनते थे, एक लंबी सी शर्ट पहन करके रखते थे, ताकि आयरन से या किसी भी प्रकार के लोहे से या गर्मी से उनको कोई चोट या नुकसान ना पहुंच सके। और तो और कपड़ों में कई बार आग लगने का भी खतरा रहता है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, यानी उस भट्टी में कई तरह की आवाजें सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोस, धोंकनी की आवाज़, जिसमें घों घों करके आवाज़ आती है, इसमें पंखा जैसा चलता है कि और इसको ऑक्सीजन मिले और जोर से जले, ठीक है, तो उसकी आवाज़, धोंकनी की आवाज़ आती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला जो चटकता है तो उसकी आवाज़ आती है। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेस, और फायर बॉय यानी आग लगाने वाला या आग की जिस लड़के की जिम्मेदारी है, वो क्या करता है, हर थोड़ी देर में उठता है और चारकोल, चारकोल का मतलब होता है कोयला, कोयला जो है वो भट्टी के मुंह में भर देता है, यानी कि और ज्यादा कोयला डाल देता है, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जिसमें कोयला डालते समय खड़खड़ाहट की आवाज बहुत ज्यादा आती है। आउटसाइड रोड द वॉटरफॉल, और बाहर की तरफ झरने के गिरने की बहुत जोर से आवाज आ रही है। एंड अ शार्प नॉर्दर्न विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और तभी एक नॉर्थ की तरफ से यानी कि उत्तर दिशा से एक हवा चलनी शुरू होती है, जिसके साथ बहुत ही जोर से कीड़ों के कोड़ों की तरह मारते हुए, यानी कि इतनी जोर से बरसात आती है जैसे कि रेन जो है वो ब्रिक टाइल्ड रूफ पर टकराना शुरू हो जाती है, यानी कि बहुत तेज से नॉर्थ साइड से तेज बरसात आना शुरू होती है, और ऐसी बरसात जिससे बदन पे चोट महसूस हो, है ना, ऐसा लगे कि कोई मार रहा है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, हो सकता है शायद ये सभी शोर की वजह से लग रहा हो, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट, कि ब्लैक स्मिथ जो है यानी कि यहाँ पर आपका जो लोहार जो है, उसने कोयले से पिघलाने वाला जो लोहार भाई साहब हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया कि एक आदमी ने गेट खोला एंड एंटर्ड द फोर्ज, और उस जो जगह है वो फैक्ट्री में उसने प्रवेश किया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, तब तक नहीं जब तक वह भट्टी के पास जाकर खड़ा नहीं हो गया। तो ये एक छोटा सा पार्ट है आज का, इसके आगे के पार्ट के बारे में हम कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।